and get your hand off my lips, and kiss my lips, and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that risk? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इंडिया चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। आप लोग यहां पे देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का ये अनाउंसमेंट है। नीचे अगर मैं जाऊं, आप लोग यहां पे देख सकते हो नंबर ऑफ द पोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम 60% इन बीटेक और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कंप्लीट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। कॉरेस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम से जिन लोगों ने किया है वो लोग एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए। एक्सपीरियंस ऑन 1 अप्रैल 2018, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन आईटी एक्सपीरियंस। आपका क्वालिफिकेशन के बाद 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंशियल डोमेन, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और शेयर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी एक का एक्सपीरियंस है आपका मिनिमम 3 ईयर्स का। टोटल वैकेंसी है 4। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लीगल ऑफिसर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, टोटल वैकेंसी है 4। ग्रेजुएट इन लॉ डिग्री विथ 60% मार्क मिनिमम है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विथ 3 ईयर्स प्रैक्टिस पे मिनिमम 3 ईयर्स से एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफरेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। अगर रहेगा आपके पास 3 ईयर्स का प्रैक्टिस तो प्रेफरेबल रहेगा। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस चाहिए और बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पोजीशंस रिजर्व फॉर एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, जनरल का 5 है और टोटल है दोनों का 1। यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पूरा। अगर मैं नीचे जाऊँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एससी के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 38 है, जनरल के लिए 35 है। अगर मैं और भी नीचे जाऊं आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई है। द एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट अंडर करियर सेक्शन फ्रॉम अप्रैल 6 से अवेलेबल रहेगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक के वेबसाइट में। एप्लीकेशन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और भी नीचे जो आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फी एंड एक्टिवेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल, 600 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स 100 रुपीज फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, सॉरी जनरल एंड ओबीसी के लिए 600 है और एससी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज है। यहाँ पे देख सकते हो आप दिया हुआ है प्लीज अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 5 PM ऑन अप्रैल 28, 2018। अप्रैल 28 इसका लास्ट डेट है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगा 6 अप्रैल से 11 AM के बाद आपको मिल जाएगा और लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2018। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग बाकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो और अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।